इलाके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मालिक हम हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों, ऋतिक रोशन की मूवी फाइटर रिलीज के तीसरा दिन है और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे फाइटर मूवी ने तीन दिनों के अंदर टोटली वर्ल्ड वाइडली ग्लोबली कितने करोड़ की कलेक्शन कर लिया है। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो फाइटर मूवी के कलेक्शन को बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे फाइटर मूवी के टोटल बजट है पूरे 250 करोड़। यहाँ पे कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों, फाइटर मूवी ने नॉर्मली ओपनिंग ली थी, कोई बहुत बड़ी ओपनिंग तो नहीं लिया था। मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 24 करोड़ 60 लाख रुपए। लेकिन मूवी ने अपने दूसरे दिन पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया है रिपब्लिक डे के मौके पर। जी हाँ दोस्तों, मूवी फाइटर ने अपने दूसरे दिन पे यानी कल इस मूवी ने 41 करोड़ 20 लाख का नेट कलेक्शन किया है। बात की जाए दोस्तों मूवी के तीसरे दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज सैटरडे है मतलब हाफ हॉलीडे है, तो कलेक्शन में एवरेज तौर पे ग्रोथ ही देखने को मिलता है। और रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक मूवी फाइटर अपने तीसरे दिन पे यानी आज जो नेट कमाई करने लगा है पूरे 22 यानी 22 करोड़ का। और इसके साथ दोस्तों मूवी फाइटर के तीन दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होता है पूरे 87 करोड़ 80 लाख रुपए, जबकि तीन दिनों का टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन होता है पूरे 108 करोड़। और इन तीन दिनों में टोटल कलेक्शन आया है ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से पूरे 23 करोड़ का। यानी मूवी फाइटर ने इन शुरुआती तीन दिनों के अंदर टोटली जो वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन किया है पूरे 131 यानी 131 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, यही है फाइटर मूवी के तीन दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि हुआ है पूरे 131 करोड़, मतलब बहुत बढ़िया कलेक्शन करने लगा है। और इवन कल तो संडे होंगे, पूरी तरह से हॉलीडे होंगे, कलेक्शन में बहुत जबरदस्त कलेक्शन का लाने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जरूर मिलते हैं अगले वीडियोस पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।